आपके उनसे एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि गाइस अभी 17-18 तारीख के आपके एग्जाम है पीएनएसटी का, ओके। साथ ही आप लोगों की अभी तक तैयारी हो चुकी होगी, किस लोगों की थोड़ी बाकी रही होगी, तो अभी 15 दिन है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो जो एक बहुत अच्छा टॉपिक पे मैं बनाने वाली हूँ कि आप दो घंटे में 150 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें, ओके, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो, ताकि आप समझ पाए कि आपको किस तरीके से टाइम कवर करके चलना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन होता है टाइम कवर करना। तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से टाइम कवर करना है। लाइक आपके 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पूरे सॉल्व होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी माइनस में ना जाए, ओके। तो आपको जो 2 घंटे में अपने 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो सारी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे अच्छे से वीडियो आने वाले हैं, इसके लिए आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो कि 2 घंटे हमारे पास होते हैं एग्जाम हॉल में, जिसमें हमें हमारा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का कंप्लीट करना होता है। जैसा कि आपकी सारी जो फॉर्मेलिटी हो जाती है एग्जाम हॉल में आने की, देन आपके वहाँ बैठने की, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आने तक की, ओके, वो कंप्लीट होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सब कुछ दिया होता है, उसमें आपको सब अपना रोल नंबर एंड सारा डाटा फिल करने के बाद जो एग्जाम पेपर आपके सामने आ जाता है टाइम पे, कि हाँ टाइम हो चुका है एग्जाम देना है, ओके। सो वो 2 घंटे आपके लाइफ चेंजिंग घंटे होते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे में आपका जितना बेस्ट दे सकते हो वो ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ के चले जाते हैं, पर जब वो एट दैट टाइम जब एग्जाम देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका क्या है, इसका क्या है, जिस तरीके से यानी माइंड में थोड़ा अजीब सी उथल पुथल सी मची होती है ना। तो आपको सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स होके जाना है, अच्छे से एग्जाम हॉल में अच्छे से बैठना है। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में यार मेरा हो पाएगा या नहीं, क्या करूँ, क्या कैसे होगा, किस तरीके का एग्जाम कैसे पेपर आएगा, इस तरीके के थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट होता है हमारा एग्जाम पेपर। तो जैसे ही आपके सामने एग्जाम पेपर आता है तो आपको उन 2 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जैसे कि आपका जो भी अच्छा सब्जेक्ट हो, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भले उनका जूलॉजी है पर शायद उनसे केमिस्ट्री अच्छी बनती हो या उनसे बॉटनी अच्छी बनती हो, ठीक है। तो जो भी, तो मैं जैसा कि बायो वालों को मेन जूलॉजी होता है, तो आई नो कि सारे बायोलॉजी वालों से जूलॉजी बहुत अच्छे से बनता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अपना जो मेन सब्जेक्ट है जूलॉजी, उस पर फोकस करें, ओके। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको सबसे पहले जूलॉजी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें टाइम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो किस तरीके से आपको करना है, जैसे ही जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आपको जो जूलॉजी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको एट दैट टाइम उसका क्वेश्चन एकदम करेक्ट याद है तो आप उसी टाइम उसे टिक कर दें और उसे हटा दें कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ओके। उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बस इतना कि वो कंफर्म होना चाहिए कि हाँ हमने सही पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी हमने क्वेश्चन को पढ़े 2 बार पढ़ लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसी ने किस तरह से घुमा फिरा के तो नहीं दिया है, ठीक है। पढ़ लें और जो भी क्वेश्चन आपका सही है आंसर वो आप टिक कर दें और उसे हटा दें, ठीक है। इस तरीके से आप फटाफट जूलॉजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसमें से आपको जितने भी बनते हैं जो एकदम करेक्ट है आप उसे टिक लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ बस ये मेरा हो गया। लाइक आपके 30 मार्क्स में से आपसे बन रहे हैं 15 क्वेश्चंस करेक्ट, ओके। तो आपने वो कर लिए। अब 15 क्वेश्चंस ये है कि आपसे नहीं बन पा रहे, ठीक है, आप उन्हें थोड़ा टाइम दें, एकदम इतना कि हाँ आप 2 मिनट में उन्हें समझ पाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये ही करेक्ट आंसर है तो उसे टिक कर दे, अदरवाइज उसे छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम आपको अदर सब्जेक्ट पे भी देना है, अगर आप वहाँ सोचते हुए 15 मिनट वेस्ट कर दोगे तो आपके जो अदर क्वेश्चंस जैसे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको तो वो छूट जाएंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपने जूलॉजी का जितना आ रहा है आपने कर लिया सॉल्व, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, पर ये ध्यान में रखना है कि जूलॉजी में हमारे कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, ठीक है, थीके? तो आपको उसके लिए टाइम बचा के रखना है। देन आप जैसे ही बॉटनी पे आते हो आपने उसमें कर लिया क्वेश्चन सारे हल कर लिए जो जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इजी टू हार्ड पे जाना है, क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चंस पहले सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में थोड़ा प्रेशर बन जाएगा, जिसके कारण कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, ओके, वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको हमेशा इजी टू हार्ड पे जाना, ना कि हार्ड टू इजी, ओके। सो जूलॉजी हो गया हमारा, देन बॉटनी हो गया, इसके बाद बहुत सारे लोगों को फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता है, देन केमिस्ट्री, ठीक है, और कुछ लोगों का इंग्लिश होता है, जिसे जो सॉल्व करना है वो कर सकता है, पर टाइम का ध्यान रखते हुए।
सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद जैसे आपने सारे कर लिए, इसके बाद आपने फटाफट उसे रिवाइज किया कि जूलॉजी पे देखो इतना छूटा हुआ है, ठीक है, टाइम आपके पास बहुत बच जाएगा। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है कि आपने जूलॉजी में छोड़े हैं, बॉटनी में छोड़े हैं, इंग्लिश में छोड़े हैं, पर इतने ही छोड़े हैं कि आप वो कर सकते हो। लाइक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, लाइक आपके 30 में से 12 क्वेश्चंस बन चुके हैं, बाकी बचे हुए हैं, या आपको उससे ज्यादा बन चुके हैं, बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। देन आपके जो भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं और उसका आप थोड़ा सा सोच के अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो फटाफट दे दें। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, टाइम बहुत बचेगा, बचता ही है, ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन से अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो टाइम बहुत बचता है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं, लाइक इंग्लिश में भी आपको समझना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते और उस टाइम जो क्वेश्चन आता है तो उसे हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इंग्लिश के लिए आपको टाइम बचाना है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर आपके इंग्लिश में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिला दे सकती है। नहीं, आप केमिस्ट्री फिजिक्स और अपना जो हो गया जूलॉजी बॉटनी, इसमें तो अपने इसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स तो ले ही लेते हो, पर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा है उससे कि आप उससे अपने एक्स्ट्रा मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में 15 मार्क्स का भी अच्छा करके आते हो तो आपका जो हाई मतलब जो आपका फाइनल स्कोर होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमने हमेशा से पढ़ी है और हमें वो आता ही है। इंग्लिश में हम थोड़ा सिर्फ एग्जाम टाइम पढ़ते थे, जब 11th 12th में पढ़ते थे तो एग्जाम टाइम पढ़ते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, है ना। तो ये नॉर्मल जो हमारा फाइनल में भी हमें करना है 30 मार्क्स का, तो उसमें हमें उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन जो भी हो अच्छे से सॉल्व हो, उसके मार्क्स निकल आए, ताकि आपका जो फाइनल स्कोर है वो अच्छा जाए। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन हल कर लेने हैं। इसके बाद भी आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे एकदम, तो फाइनल आपने मान लिया नहीं बन रहे, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन समझ लो 20 क्वेश्चंस आपने फिर भी कर लिए, पर 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे बन ही नहीं रहे, तो इसमें सबसे मेन ये कि आपको टिक लगा के आना ही है। लाइक इसमें जैसे लाइट वगैरह से रिलेटेड कुछ दे दिया, ठीक है, धारा या विद्युत इस तरीके से जो भी है वो दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत का उसके आसपास जो घूमने वाले उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको टिक करके आने हैं, ताकि हो सकता है आपका जो तुक्का वो भी सही लग जाए और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। नहीं हो तो भी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, ठीक है, क्यों? और सबसे मेन जो टाइम, जैसे ही टाइम आपको कवर करते हुए चलना, अगर टाइम खत्म हुआ तो जो क्या होता है स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। 2 घंटे मतलब 2 घंटे आपको नहीं पता होगा, पर कंप्यूटर को जरूर पता होगा कि हाँ 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, थीके? तो आपको भी पता रखते हुए चलना है कि कंप्यूटर आपके बाद ही उसे बंद करे जब तक कि आपके 2 घंटे में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको सारा टाइम मैनेज करके करते हुए चलना है, हमेशा इजी टू हार्ड की ओर चलना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा, जो आ रहा है एकदम परफेक्टली आंसर करना है, नहीं आ रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देना है। और जैसे ही आपके माइंड में क्वेश्चन बाद में थोड़ा रिलैक्स होकर घूमेगा ना, तो आपको थोड़े थोड़े ऐसे थॉट्स आने लगेंगे कि हाँ यार मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी थी और शायद यहाँ का ये हो सकता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं ना। इस तरीके से आपको सारा अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। आपको बहुत सारे लोगों ने अपने अदर जगह भी ट्रिक देखी होंगी किस तरह से सॉल्व करना है, कोचिंग सेंटर्स या स्कूल में आप लोगों को बताया होगा कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सारे जिस भी तरीके से जिसका माइंड सेट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है, पर अकॉर्डिंग टू मी हमेशा इजी टू हार्ड करें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और सबसे मेन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे टिक करके आना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको और भी कोई डाउट हो या इस क्वेश्चन से इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, जो कि बहुत सारे डाउट्स बन जाते हैं बाद में, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।